हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आप सबका सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको टॉप 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हल करवाने वाला हूं, जो कि सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है और जो कि रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाने हैं। तो ये हमारा 10वां भाग रहेगा इस प्रैक्टिस सेट का, और इससे पहले मैंने और भी 9 प्रैक्टिस सेट इसके डाल चुके हैं, इसलिए आप लोग सारे वीडियो जरूर देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, उससे एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं तो क्या पैदा करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, कार्बनिक द्रव्य ऑप्शन बी है, वाष्पोत्सर्जन ऑप्शन सी है, खनिज और ऑप्शन डी है पोषक तत्व। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बनिक द्रव्य। प्रकाश संश्लेषण कार्बनिक द्रव्य को पैदा करते हैं, पौधों के माध्यम से पैदा करते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती है तो पत्तों में जो सिराएं दिखाई देती हैं वो क्या काम करती हैं। उस ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है भंडारण का और ऑप्शन डी है चालन का। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं भंडारण का काम करती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो है पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। तो पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है तो इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले, इसका ऑप्शन जो है वो पर्णपीत है, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है कैरोटीनाइड और ऑप्शन डी है हाइकोसाइनिन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्णपीत। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल का खनिज घटक है तो क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। इसका ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम और ऑप्शन डी है आयरन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम, जो कि क्लोरोफिल का एक खनिज घटक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं तो वो किस रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है श्वसन में, ऑप्शन सी है वाष्पोत्सर्जन में और ऑप्शन डी है अंकुरण में। तो पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं तो श्वसन में छोड़ते हैं, श्वसन क्रिया जिस समय करते हैं पौधे तो उस समय ऊर्जा को छोड़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ पौधा दिया हुआ है एक तरफ उपयोग है और इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन जिसका ये ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है, ये मिलान करना है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख लिया है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ब्राह्मी तो पौधा जो है उसका उपयोग किस में होता है तो इसका चौथा में देखिए, मस्तिष्क का टॉनिक के लिए ब्राह्मी पौधा का उपयोग होता है। इसके बाद सदाबहार पौधा का उपयोग किस में होता है तो सदाबहार पौधा का मधुमेह दूर करने वाला मधुमेह दूर करने में प्रयोग होता है। इसके बाद पुदीना का किस में प्रयोग होता है तो पुदीना के पौधे का प्रयोग होता है वात हरने में। इसके बाद है तुलसी के पौधा का उपयोग होता है किसमें तो वो कफोत्कारक मतलब कफ जो बन जाता है उसमें तुलसी के पौधे का उपयोग किया जाता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है लौह का अंश। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है सेम, ऑप्शन बी है अंडों में, ऑप्शन सी है हरी सब्जियों में, ऑप्शन डी है दूध में। तो इसका सही आंसर जो होगा हरी सब्जियों में होगा, ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है तो प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किसमें होती है तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, नारियल में होती है या मूंगफली में, ऑप्शन सी है सोयाबीन में, ऑप्शन डी है सूरजमुखी में। तो प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में, मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, इसका ऑप्शन ए है जामुन, ऑप्शन बी है करौंदा, ऑप्शन सी है लोकाट, ऑप्शन डी है अमरूद। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करौंदा। और इसके बाद देखते हैं गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। तो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्लूटीन है या ग्लोबुलिन है या ग्लाइसिन है या लाइसिन है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लूटीन। ग्लूटीन जो है वो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करते चलिए अगर अच्छा लग रहा हो तो, और कमेंट भी जरूर कीजिए कि आपको कैसा वीडियो लगा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। और जो लोग नए लोग हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और वो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होती है, तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें होती है? ऑप्शन ए है चने में, ऑप्शन बी है मटर में, ऑप्शन सी है सोयाबीन में और ऑप्शन डी है गेहूं में। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सर्वाधिक किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए है विटामिन, ऑप्शन बी है आयरन और ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, आयरन में। आयरन सबसे ज्यादा पालक के पत्तों में पाई जाती है, आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादपालय एक सुविधा है, तो पादपालय एक सुविधा है तो किसकी है? तो ये किस लिए? तो रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधों को उगाने का, या फिर ऑप्शन बी है पौधों की संकटापत्र प्रजातियों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन सी देखते हैं नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है उत्परिवर्तन प्रेरित करने के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? तो हरित क्रांति में मुख्य रूप से पादप फसल कौन सा था? तो इसमें से ऑप्शन में देखिए कि कौन सा मुख्य पादप फसल है। और इसका ऑप्शन ए है जैपोनिका चावल, इसका ऑप्शन बी है भारतीय चावल, ऑप्शन सी है एमर गेहूं और ऑप्शन डी है मैक्सिकन गेहूं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैक्सिकन गेहूं हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुदीना के किस भाग में अधिकतम तेल की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो पुदीना के किस भाग में अधिकतम तेल की मात्रा पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है पत्ती, ऑप्शन डी है पुष्प। तो पुदीना के पत्ती में तेल की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस जंतु समूह या संघ के सब सदस्य समुद्री होते हैं? तो कौन से जंतु समूह या संघ है जिसके सब सदस्य समुद्री होते हैं? तो इसका 16 का जो ऑप्शन है इसका देख लेते हैं, ऑप्शन पोरीफेरा, इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी है सिलेंट्रेटा, ऑप्शन नंबर सी है एकाइन नोडरमेटा और इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है मोलस्का। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकाइन नोडरमेटा, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग का जनक होता है, तो फाइलेरिया रोग का जनक होता है एक मच्छर होता है या फिर एक बैक्टीरियम होता है या एक हेलिंथ होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेलमिंथ जो है आपका ये फाइलेरिया रोग का जनक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तो अगला क्वेश्चन जो है वो कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है, तो कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण क्या है? तीन जोड़ी पाद या दो जोड़ी एंटीनी या तीन जोड़ी एंटीनी या फिर चार जोड़ी पाद। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण चार जोड़ी पाद है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, किन में शरीर खंड युक्त होता है? तो किन में शरीर खंड युक्त होता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है सिलेंट्रेटा, ऑप्शन बी है पोरीफेरा, ऑप्शन सी है मोलस्का, ऑप्शन डी है एनेलिडा।
तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि एनेलिडा हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़िया जाल बनाती है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मुख से, इसमें देखिए दिया हुआ है कि किस भाग से मकड़ियां जो है कि जाल बनाती हैं, तो ऑप्शन है इसका मुख से, या ऑप्शन बी है लाल ग्रंथियों से, ऑप्शन सी है पादों से, या ऑप्शन डी है उदर के पश्च भागों से। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदर के पश्च भागों से मकड़ियां जाल बनाती हैं। उदर के पश्च भाग से जो स्राव होता है उसी के कारण मकड़ियां जाल बना पाती हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह है सर्पों की 20 ग्रंथियां किसकी समांग है। तो सर्पों की 20 ग्रंथियां जो होती हैं किसकी समांग होती हैं, मछलियों के विद्युत अंग के, या फिर रे मछलियों के दंश के, और या ऑप्शन नंबर सी देखते हैं स्तनियों की वसा ग्रंथियां से, या ऑप्शन नंबर डी है कशेरुकी प्राणियों की लाला ग्रंथियों से। तो इसका सही आंसर जो होगा सर्पों की 20 ग्रंथियां ऑप्शन नंबर बी रे मछलियों के दंश के समान होती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, वैसे तो सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उनमें से कई क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और सारे वीडियो को अच्छे से देखिए और याद कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो ये है आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो क्या कार्य करता है, रंग में मानव रुधिर जैसा होता है, या फिर धमनियों और सिराओं में बहता है, या खुले तंत्र में बहता है, या ऑप्शन नंबर डी जो है रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन रखता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है, इसका सही आंसर जो है कि जो खुले हुए तंत्र में बहता है, ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जंतु सिलेंट्रेटा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम पहले कि इसका ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन ए है समुद्री एनिमान, ऑप्शन बी है समुद्री खीरा, और ऑप्शन नंबर सी है समुद्री गाय, ऑप्शन नंबर डी है समुद्री अश्व। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा जंतु सिलेंट्रेटा है, तो समुद्री एनिमान ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, समुद्री एनिमान जंतु सिलेंट्रेटा है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन ऑक्टोपस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। ऑक्टोपस क्या है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, एक आर्थ्रोपोडा है, या फिर ऑप्शन नंबर बी एक इकाइनोडर्म है, ऑप्शन नंबर सी एक हेमीकार्डेट है, ऑप्शन नंबर डी एक मोलस्क है। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्टोपस है, इसका ऑप्शन एक मोलस्क आंसर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए जीव विज्ञान की शाखा में, किस शाखा में जिसमें पक्षियों का अध्ययन करते हैं, तो वह जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें पक्षियों का अध्ययन करते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है हर्पिटोलॉजी, ऑप्शन बी है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी है ओर्निकी, ऑप्शन सी है डी है ऑर्निथोलॉजी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑर्निथोलॉजी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से टॉप 25 क्वेश्चंस पूरे हुए जो कि 10वां भाग था प्रैक्टिस सेट का, और इस तरह से 25 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। और आप आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। और जो लोग नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाएंगे, ताकि जो बेल का आइकन आप दबाएंगे तो आप तक आपको ये फायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अब नए वीडियो के साथ।